आज हम देखेंगे सीएस रैंक के 30 बिगेस्ट मिस्टेक जो ये सीजन पे सबसे ज्यादा हुआ है, तो एक भी मिस मत करना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 30 मार्स इलेक्ट्रिक मिस्टेक। बहुत सारे गेम में प्लेयर्स वगैरह मार्स इलेक्ट्रिक खेलने के टाइम में यहाँ पे 2-3 सेकंड ऐसे खड़ा रहता है, लेकिन उनको पता नहीं है मार्स इलेक्ट्रिक में क्या होता है। असल में देखो यहाँ पे सामने से क्या आया, नेड आया, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे प्लेयर वगैरह छुपता है। तो अगर आप इसके जगह में आप अगर नेड से मर जाते हो तो गाइस कितना बुरी बात है ना गाइस, इसलिए गलती मत करना और कवर लेके खेलो। मिस्टेक नंबर 29, ये है शिपयार्ड का मिस्टेक। जैसे मार्स इलेक्ट्रिक था, सेम शिपयार्ड का भी देख लो, शिपयार्ड का एक मिस्टेक है कि हम लोग यहां पे ना 2-3 सेकंड यहां पे भी अगर रुक जाते तो क्या होता है, क्या भरपाई करना पड़ता है, वो आपको अब पता चलने वाली है। देखो सबसे पहले यहां पे जब मैं शिपयार्ड का ऊपर जा रहा था गाइस, ये आप लोग देख सकते हो गाइस, ये जो छोटे-छोटे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स वगैरह है यहां पे ऊपर जब मैं जा रहा था, तो गाइस ऊपर से देखो गाइस मैं जब बैठा हुआ तो गाइस कहीं से बंदा मुझे मार रहा है। असल में हुआ क्या है पता गाइस, पीछे से बंदा ने कैम करके मुझे मार दिया, क्योंकि उनको लोकेशन पता है एनिमी कहां आने वाले। जब मैं यहां पे आया तो वो लोग पीछे से यहां पे कैम करके बैठा था और मुझे खत्म कर दिया। तो ये सीपीआर की बहुत बड़ा गलती है, तो ऐसा मिस्टेक नंबर 28, ये है हैंगर का मिस्टेक। अब मैं आपको बता रहा हूं हैंगर का एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो आप कर रहे हो अभी के टाइम पे ये सीजन पे। बहुत सारे प्लेयर गेम में क्या करते हैं, जब ये लोग खेलते हैं राइट में यहां पे आते हैं एंड उसके बाद बहुत अच्छा खेल रहा है, इधर तक बहुत सही चल रहा होता है, लेकिन एक मिस्टेक जब करता है वो लोग इसके ऊपर जब चढ़ता है ये बिल्डिंग्स के ऊपर, तो यहां पे वो लोग ना इतना बड़ा गलती कर बैठते कि यहां पे अपना पोजीशन को एक्सपोज कर देते हैं एंड उसके साथ ही वो लोग मेडिकेट मारने लग जाता है। लेकिन एनिमी लोग भी आजकल चालाक हो चुके हैं, जब आप लोग मास्टर को लॉबी में खेलोगे ना आपको पता चलेगा कि भाई कितना बड़ा गलती होता है कि एक बंदा के लिए हम लोग पूरा टीम को बर्बाद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ छोटा सा मिस्टेक। नंबर 27, क्लॉक टावर ट्रैप। बहुत सारे प्लेयर क्लॉक टावर खेलने के टाइम में एक ट्रैप में फंस जाता है, वो एनिमी का ट्रैप होता है, कोई कोई बंदा आपको यहां पे ग्लू वाले फंसा कर मार सकता है, नहीं तो एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है अभी के टाइम पे, वो है राइडेन का ट्रैप जो आपके आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है गाइस। उकोंग भी यहां पे काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आने वाला जब तक ये राइडेन का ट्रैप आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये हर एक कैरेक्टर के साथ यहां पे फेल कर बैठती है, लेकिन राइडेन यहां पे 100% अपना बैच देके बंदा को खत्म कर देती है। कोई बंदा यहां पे इस ट्रैप में फंसेगा तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। नंबर 26, ये है रस टाउन का एक रॉन्ग रस। दोस्तों देखो रस टाउन में भी आजकल बंदे लोग सोच समझ के रस भी कर रहे हो ना, तो गाइस यहां पे ये गलती मत करना। देखो गाइस बहुत सारे प्लेयर यहां पे रुक जाते हैं क्योंकि उनको पता है एनिमी ऊपर है, लेकिन हम लोग को ये माइंड में ये चलता है कि भाई अगर कुछ मतलब हिलचल नहीं हो रहा है समझ लो गाइस साइलेंट है सब चीज, तो समझ लो गाइस ऊपर बंदा बैठा है कैम करके। जैसे कि स्लो मोशन में देखना गाइस, यहां पे मैं रुका हुआ था, मैं भी सोच रहा था कि भाई ऊपर कोई बंदा नहीं होगा, इतना सेकंड रुक गया था क्या बंदा होगा भाई, लेकिन क्या पता था गाइस ये बंदा कैम कर रहा था ऊपर, तो भाई इसीलिए बोलता गाइस सोच समझ के देख सुन के मिस्टेक करना। नंबर 25, कॉटलिस्ट हुआ पोजीशन मिस्टेक। स्टार्टिंग के टाइम में जब आप लोग कॉटलिस्ट राउंड पे आओगे तो यहां पे आप लोग में बहुत सारे प्लेयर यहां पे छुपते हैं ना गाइस, मुझे पता है बहुत सारे प्लेयर छुपते हैं क्योंकि मैंने आंखों से देखा गाइस यहां पे प्लेयर वगैरह जब कैम करता है तो उनको पता होता है कि सामने से प्लेयर आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं होता, वो लोग कभी आपके ऊपर रश नहीं करेगा, उल्टा जोन आपके ऊपर रश करेगा, इसलिए जोन से तो आप लोग डैमेज खाओगे ही प्लस एनिमी सामने से आपको डैमेज देगा, जिससे क्या होगा देखो मेरा पीछे वाला टीममेट यहां पे नॉक हो चुका है, लेकिन आप भी क्या करोगे यहां पे ग्लूअर फटेगा तो आप भी नॉक हो जाओगे, इसलिए तो एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हो गाइस, वो पोजीशन मत ही रहना, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, पोजीशन बहुत गंदा है। नंबर 24, रैंडम पे बहुत सारे प्लेयर रिवाइव करना चाहते हैं, अपने टीममेट्स को बचाना चाहता है, मैंने बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स भी आपको बताया, लेकिन भाई मैं सच बोलता हूं उनको रिवाइव करने का कोई फायदा नहीं है भाई, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा आपको ये समझा नहीं सक रहा हूं गाइस। देखो गाइस मैं आपको अभी दिखाई देता हूं, देखो अगर मैं यहां पे किसी प्लेयर को रिवाइव कर रहा हूं दिमित्री मार के, चाहे भाई मेरे को भी तो रिवाइव करो कम से कम ग्लूवाल भी लगा के, भाई रैंडम प्लेयर में बोलना चाहता हूं अगर आपको कोई रिवाइव करेगा तो प्लीज उनको एक ग्लूवाल लगा के रिवाइव करो, क्योंकि आपके पास अगर ग्लूवाल है तो भाई लगा लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है यार, आपको भी तो रिवाइव मिला ना भाई, ये गलती मत करना कि रैंडम में भाई ऐसे छोड़ दो किसी को भी। मिस्टेक नंबर 23, नेवर रश ऑन हैंगर। जब भी आप लोग हैंगर का राउंड खेलोगे तो राइट साइड के कंटेनर से रश करते ना बहुत सारे प्लेयर, मत करो अब से छोड़ दो ये रश करना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे प्लेयर इसके शिकार होता है कि वो लोग रश करके यहां पे नॉक हो जाता है, लेकिन असल में हुआ क्या है पता है गाइस, मैं आपको दिखाता हूं स्लो मोशन में देखना गाइस ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ना गाइस, यहां पे बना है उकोंग, ये
जो प्लेयर आप लोग देख रहे हो ये उकोंग बन के बैठा है, उनको पता है कि बंदा रस कर रहा है। जब हम लोग उकोंग बनते हैं ना गाइस, यहाँ पे हम लोग का गोली रिकॉइल हो जाता है, हम लोग उकोंग को मार नहीं पाते, इसलिए तो बोलते ना गाइस कभी भी ऐसे रस मत करना है। मिस्टेक नंबर 22, ये है फ्लैश फ्रिज का मिस्टेक। बहुत सारे प्लेयर फ्लैश फ्रिज गेम में लेके खेलता है। अब देखो गाइस यहाँ पे क्लिप शेयर कर रहा हूँ, देखो मैं इस प्लेयर को मारने के लिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे अपना पावर को यूज करता हूँ, अपना स्किल को भी यूज करता हूँ, एक्टिव स्किल को कैंटा वगैरह से, लेकिन इस प्लेयर को मारने के लिए मैं जैसे फ्लैश स्विच ऑन करता हूँ ग्लूवॉल फट जाता है एंड मैं खुद भी नॉक हो जाता हूँ। मेरा एक ही प्लान था कि मैं ग्लूवॉल का ऊपर से फ्लैश स्विच फेंकूंगा, लेकिन यहाँ पे फ्लैश स्विच के चलते मैं खुद भी नॉक होता हूँ और यहाँ पे वो टीममेट भी तो नॉक होता है, लेकिन क्या फायदा यार, खुद ही अगर नॉक हो जाके मर जाते हो, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो इसलिए फ्लैश स्विच को ध्यान से ट्राई करना यूज। 21, ऑब्जर्वेटरी में कभी इस जगह पे मत बैठना, अगर अब बैठ भी रहे हो तो गाइस यहां से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हो ऑब्जर्वेटरी में। देखो मैं अभी दिखा रहा हूं गाइस क्या मिस्टेक है। देखो बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, यहां पे ठीक है बैठे और बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे मत बैठना, अगर एक नेड आएगा ना तो पूरा दो बंदा नॉक हो जाओगे आप। यहां पे अभी देख रहे हो गाइस, यहां पे तो टीममेट ही रश कर रहा है, एनिमी रश कर रहा है, यहां पे अगर नेड भी गिर रहा है तो मैं भी नॉक हो रहा हूं, है कि नहीं फ्रेंड्स? तो यहां पे यही बात है कि आप यहां पे मत बैठना, यहां पे बहुत मुश्किल होता है बंदा को मारने में, इसलिए आप ये गलती मिस्टेक मत करो। नंबर 20, ये है डेका स्क्वायर का मिस्टेक। डेका स्क्वायर का अपसाइड मिस्टेक है, मतलब ऊपर जाने के एक बहुत बड़ा गलती कर बैठते हो। बहुत सारे प्लेयर देखो यहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके जाते हैं, वो लोग ऊपर चले जाते हैं एक ग्लूवॉल लगा के, लेकिन क्या फायदा भाई, अगर आप यहीं पे खत्म हो जाओ तो मैं आपको दिख रहा हूं। बहुत सारे प्लेयर यहां पे जब डेका स्क्वायर के ऊपर आता है खेलने के लिए तो वो लोग कवर लेके नहीं खेलते हैं, वो लोग डायरेक्ट एनिमी को यहां पे हिट करने का सोचता है, लेकिन जैसे ग्लूवॉल लगाते हो गाइस आसपास से बंदा खत्म करता है आपको। देखो गाइस वो दूर से मार रहा है, बहुत दूर से, वो इतना दूर से आपको मार रहा है, इजीली खत्म कर सकते हैं, इसलिए जैसे भी आप लोग ऊपर आओगे तो कवर लेके खेलना। नंबर 19, डोंट थिंक देयर इज अ सेफ प्लेस। दोस्तों कभी ऐसा मत सोचना कि यहां पे कोई सुरक्षित जगह है, कोई ऐसा मत सोचना, कभी मत सोचना, जहां आपको मौका मिले वहीं पे आप मेडिकेट मार लो। मैंने भी यही सोचा था कि भाई मैं यहां पे आके मेडिकेट मारूंगा, लेकिन हर जगह से गोली पड़ रहा है, मैं अंदर भी आ रहा था गाइस, अंदर भी कोई ऊपर बंदा था, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या सोचा इधर बैठ के मेडिकेट मारूंगा, लेकिन देखो उधर भी बंदा था, इसलिए सोच समझ के खेलो, किसी भी जगह पे ऐसे मत चला जाना मेडिकेट मारने के लिए। मिस्टेक नंबर 18, नॉट हैविंग गुड प्लेयर्स इन फ्रेंड्स। दोस्तों आपका फ्रेंड लिस्ट में देखना बहुत सारे प्लेयर्स ऑफलाइन होगा 30 डेज से ऊपर, उनको जल्दी से रिमूव करो और एक्टिव प्लेयर अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो, इससे आपको आसानी होगी पुश करने में। मिस्टेक नंबर 17, ये है रिवाइव मिस्टेक। मैं आपको अब दिखा रहा हूं रिवाइव का एक मिस्टेक। दोस्तों जब आप लोग कभी भी नॉक होते हो ना ऐसे सिचुएशन में, वो भी दो बार, तो आप अपने टीममेट को बोल दो भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे सिचुएशन में देखो गाइस कभी भी अगर एक बार भी नॉक हो जाता ना भाई, उनको बोलो भाई मुझे छोड़ देने के लिए, भाई मुझे रिवाइव करने मत आओ, उनको प्लीज परेशान मत करो। ऐसा सिचुएशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट लाइक अभी देखो वापस से मैं नॉक हुआ, तो गाइस यहां पे मैं उनको बोल सकता था कि भाई इधर मुझे रिवाइव करने मत आओ, यहां पे बंदा आ रहा है, लेकिन मैंने यहां पे ऐसा नहीं किया, इसलिए बहुत सारे प्लेयर यहां पे गलती कर बैठे। जो आपको रिवाइव करने आ रहा है वो पीछे नहीं देख रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंस है कि आप पीछे देखो, उनको बताओ एनिमी आ रहा है। मिस्टेक नंबर 16, जॉइनिंग बैड गिल्ड। दोस्तों कभी भी इनएक्टिव गिल्ड में ज्वाइन मत करना, अगर हो जाते हो तो उनसे गिल्ड से जल्दी लीव हो जाओ और एक अच्छे एक्टिव गिल्ड में ज्वाइन करो जो आपके साथ खेले, क्योंकि अच्छा गिल्ड रहेगा तो आपको पुश करने में भी अच्छा लगेगा। मिस्टेक नंबर 15, ये है मर्ज साइड का मिस्टेक। दोस्तों देखो मर्ज साइड में आप लोग इधर से आके खेलते हो ना, मुझे पता है मैं भी यही खेलता हूं, लेकिन मैंने एक मिस्टेक यहां का फाइंड निकाला है मर्ज साइड में। देखो दोस्तों जब हम लोग मर्ज साइड में खेलते हैं तो लेफ्ट साइड भी एनिमी रहता है, लेकिन लेफ्ट साइड के साथ साथ हमारा स्ट्रेट में भी एनिमी रहता है। अब हम लोग कैसे खेले, अगर हम लोग का लेफ्ट साइड में एनिमी है, लेफ्ट साइड में, तो हम लोग अपने टीममेट को कवर कैसे दे। अब यहां पे देखो गाइस मैं अपने टीममेट को कवर देने के लिए यहां पे आ गया लेफ्ट साइड में, लेकिन यहां पे स्ट्रेट भी आपको बंदा मार सकता है, यहां पे तो कोई कवर लेने की जगह भी नहीं है उतना, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूं गाइस एक जगह पे फोकस करो, लेफ्ट या सीधा स्ट्रेट, ठीक है? तो ये गलती मैंने किया, आप मत करना। नंबर 14, प्लेइंग विद पैसिव स्किल्स ओनली। बहुत सारे प्लेयर करते हैं कि पैसिव स्किल चारों को चार लेके जाते हैं, कोई एक्टिव नहीं, तो ये गलती है ना भाई, एक्टिव स्किल क्यों दिया है आपको एक अच्छा सा गेम प्ले करने के लिए। बहुत सारे प्लेयर गलती कर रहे हैं कि चार पैसिव लेके जाते हैं और यहां पे मर जाते हैं, तो इसलिए एक्टिव अपने साथ रखना। नंबर 13, आफ्टर अपडेट बैड सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर में चेंजेस किया जाएगा OB45 अपडेट में, इसलिए मैं अब से आपको यहां पे वार्न करता हूं, आप
यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर ऐसे यूज मत करना जब तक उसके बारे में आपको पता ना हो। तो सिलेक्शन करो मिस्टेक नंबर 12, जैसे कि कैरेक्टर मैंने बताया उसके साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वेपन्स में भी एडजस्टमेंट की जाएगी OB-45 में। इसलिए जब आप लोग सिलेक्ट करोगे वेपन्स वगैरह CS पे तो गलती मत करना कुछ भी उठपटांग गन वगैरह ले लेके। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के और बारीकी से अपने वेपन को मिस्टेक नंबर 11, ये है रॉन्ग टाइम नेड कुकिंग। देखो दोस्तों ऐसा टाइम में नेड कुक मत करना जब आपके सामने ही एनिमी हो एंड वो रस भी कर रहा उसी टाइम में। देखो गाइस जब आप लोग एनिमी देखते हो गाइस उसी टाइम में वो बंदा रस करके आता है नेड कुक कर रहा था, उस टाइम में आप लोग नेड को यहां पे क्लोज भी नहीं कर सकते गाइस। बंदा इतना स्पीड में आता है तत्सुया मार के और आपको खत्म कर देती है। देखो गाइस ये एक बहुत बड़ा सिली मिस्टेक बोल सकते हो, सिली मिस्टेक आपका जानबूझ के भी मिस्टेक नहीं हुआ है, सिली मिस्टेक होता है, लेकिन कोई बात नहीं ऐसा मिस्टेक कर रहे हो तो अब से मिस्टेक नंबर 10, ये है रस्ट टाउन ड्रॉप लूटिंग। दोस्तों रस्ट टाउन में कभी भी भूल से भी ड्रॉप लूट करने मत जाना जब आप लोग बड़े बड़े हाई लॉबी खेल रहे होते हो। दोस्तों देखो गाइस मैं अभी ऐसा लॉबी खेल रहा हूं, मास्टर का लॉबी है। अब यहां पे अगर मैं ड्रॉप लूटने जाता हूं लाइक अभी देखो मैं अपना स्ट्रेटजी यूज करता हूं ग्लू वॉल का, उसके बाद मैं ड्रॉप लूटने के लिए जाता हूं एंड यहां पे क्या होता है एनिमी आपको स्ट्रेट यहां पे हेड मार देती है, आपको यहां पे डैमेज देता है। उसके बाद एक और चीज होता है कि आपको फ्लैश फ्रीज का भी यहां पे आपको डायरेक्ट मिल सकता है डैमेज। देखो गाइस जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं करके, ये मिस्टेक तो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, मेरे गलती से हो चुका था क्योंकि मैं भी देख रहा था कि ये मिस्टेक होता कैसे, लेकिन अब आपको पता चल चुका है। मिस्टेक नंबर 9, इग्निस ड्रॉप लूटिंग। बहुत सारे प्लेयर्स यहां पे इग्निस से भी ड्रॉप लूट करना चाहते हैं, अब मैं आपको करके दिखाई देता हूं इग्निस से क्या ड्रॉप लूट हो पाती है कि नहीं। दोस्तों देखो मैंने इग्निस लगाया है, मैं यहां पे ड्रॉप लूट करने जा रहा था गाइस, यहां पे क्या होता है एनिमी आ चुका है अंदर, इग्निस का अंदर एनिमी आके मुझे खत्म करके चला जाता। तो कोई फायदा नहीं है कि हम लोग इग्निस यूज करें उसके बाद यहां पे अंदर से इग्निस का फ्लेम का अंदर से लूट करें, कोई यूज नहीं है। आप नॉर्मल लूट करो, इग्निस वगैरह से कुछ काम नहीं होने वाला है ड्रॉप लूटिंग में, तो ये गलती मिस्टेक नंबर 7, ये है एनिमी का यहां पे ग्लू ब्लॉक। अब देखो अगर हम लोग यहां पे ग्लू वॉल का ब्लॉक लगाते हैं ग्लू वाली, आप लोग देखो बहुत सारे प्लेयर यहां पे पता नहीं कैसे ऊपर जाते जाने की कोशिश करते हैं आपका टीममेट वगैरह, तो अगर यहां पे ग्लू वॉल लगा देता हूं वो ऊपर नहीं आ पाते, प्लस वो लोग यहां पे सेपरेट हो जाते हैं आपसे एंड वो लोग अलग-अलग जाके खेलते हैं। इस वजह से क्या होता है बहुत सारे प्लेयर यहां पे मर जाते हैं, वो लोग नॉक हो जाते हैं आपका टीममेट वगैरह। तो गाइस अगर ऐसा गलती कर रहे हो कि सामने डायरेक्ट ग्लू वॉल लगा देते हो और आपको मस्ती मजाक में आप लोग लगाते हो, मुझे पता है मस्ती कर रहे हो तो, लेकिन ये गलती हो जाता है ना गाइस, तो ऐसा मत करना ग्लू वॉल लगा के। मिस्टेक नंबर 6, ये है एंग्री प्लेयर्स। दोस्तों गेम में आपको ऐसे भी प्लेयर्स देखने को मिलेगा जो आपका फ्रेंड लिस्ट में भी है या फिर रैंडम में भी होगा कि वो लोग एंग्री बहुत रहे, बहुत गुस्सा रहता है अपने टीममेट से, वो लोग कभी आपको रिवाइव नहीं करेगा। ऐसे आपको सिचुएशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे जो गेम प्ले चल रहा है यहां पे सभी प्लेयर एक प्लेयर से गुस्सा है, वो आपके आपको दिखाएगा स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, वो प्लेयर जैसे नॉक हुआ उसको कोई रिवाइव करने नहीं जा रहा है क्योंकि उनको यहां पे एक ही चीज का यहां पे खुन्नस था कि गाइस कोई उसको रिवाइव नहीं करेगा। आप वो देखो गाइस सभी लोग सामने उसको आराम से यहां पे रिवाइव कर सकता है लेकिन कोई नहीं किया। दोस्तों देखो ऐसा मत करो, ऐसे मत सोचो गाइस, अगर गुस्सा भी हो तो भाई प्लीज उसको रिवाइव कर दो, लेकिन ऐसे मत करो कि उसके ऊपर यहां पे रिवाइव नहीं करने से क्या होगा, आप खुद भी डिफीट हो सकते हो। मिस्टेक नंबर 5, यह है किल को क्लियर करने वाला मिस्टेक। अब देखो जब हम लोग यहां पे एक बंदा को मारने के लिए जाते हैं तो हम लोग को यहां पे डेजर्ट ईगल ही है मान के चलो, तो हम लोग एक बंदा को यहां पे नॉक करते हैं तो उसको क्लियर करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन उसी टाइम में एनिमी हमको यहां पे मार देती है। अब देखो यहां पे आपके पास अगर डेजर्ट ईगल है, डेजर्ट ईगल जैसे गन ही मैं आपको बता रहा हूं ठीक है, तो आप यहां पे अगर किल को क्लियर करने जाते हो तो यहां पे आप नॉक भी हो सकते हो, ऐसा गन से आप लोग क्लियर कर रहे हो जिससे गाइस डैमेज बहुत ही लेटली पड़ता है, तो गाइस सोचो गाइस कितना बुरी बात है गाइस, इसलिए किल को क्लियर करने के टाइम में मिस्टेक मत करना। नंबर 3, यह है रॉन्ग एरिया सिलेक्शन मिस्टेक। कोई सा भी मैप ले लो, आप नेक्स्ट्रा ले लो, कालाहारी ले लो, बरमुदा ले लो, परगेट्री ले लो, गाइस किसी भी जगह पे आप रॉन्ग पोजीशन होल्ड मत करना, रॉन्ग एरिया को चूज मत करना। जैसे आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हो गाइस इतना ऊपर आ चुका हूं गाइस, यहां पे ना ही ग्लू वॉल लगा सकता हूं टाइम में, ना ही यहां पे कवर ले सकता हूं गाइस, कितना बड़ा गलती है गाइस, यहां से तो आप पोजीशन को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो गाइस ये मिस्टेक होना गाइस, तो ऐसा गलती मत करना। मिस्टेक नंबर 2, ये है रिम नाम विलेज मिस्टेक। जब आप लोग ग्लू वॉल लगाते हो तो गाइस यहां पे आप अपने टीममेट को भी बुला लेते हो कि भाई जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, रिम नाम पे ये जगह है गाइस ठीक है, तो बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं अपने टीममेट को भी यहां पे लेके ऊपर आ जाता है ठीक है, यहां पे लेके आ जाते हैं, लेकिन यहां पे उनको उतना आइडिया नहीं किस तरह से खेले, आपको आइडिया है किस तरह से गेम प्ले किया जाता है रिम नाम का ये छत के ऊपर। अब देखो यहां पे जैसे जोन हीट होगा तो यहां पे वो बंदा नॉक हो जाता है, देखा ना फ्रेंड्स, तो उनको उतना आइडिया नहीं
नहीं होता है, जो चीज का उनको आइडिया है वैसे उनको खेलने दो ना फ्रेंड्स। आप जैसे गेम प्ले कर रहे हो आप अपना गेम प्ले करो, फोर्स मत करो, क्योंकि सबको आइडिया नहीं रहता है किस तरह से गेम प्ले किया जाए। मिस्टेक नंबर वन, कॉलिंग एवरीवन नूब। भाई क्यों बोलना है सबको नूब नूब, ये सब मत बोला करो। देखो गाइस ये नूब कोई गाली वाली तो नहीं है, लेकिन इससे सबको डिमोटिवेट फील होता है, इसलिए यार ये सब मत बोलो, उसको मोटिवेट करो। बेस्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख दो। थैंक यू सो मच, मैं ऐसे और बेस्ट वीडियो बनाते रहूंगा आपके लिए।